YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अपन मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो अपने बात किया उसने बताया अगला जो टॉपिक है अपना मोहम्मद गोरीगा है। मोहम्मद गजनवी जिसके बारे में बात की थी अपन ने, उसने 17 आक्रमण किए जो मैंने आपको सब लेक्चर डिस्क्राइब कर दिए अच्छे से वीडियो में। आप देखिए किस तरह से उसने भारत पे 17 आक्रमण किए, वो ने आपको अच्छे से डिफाइन किया है और किस तरह से उसका जीवन काल है, कहाँ वो शासक रहा, अफगानिस्तान से जब वो चला युद्ध के लिए इंडिया पे उसने 17 आक्रमण किए, उसके बारे में विशेष चर्चा में जो लेक्चर थे वो आप देखिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है मोहम्मद गोरी, उसी के वंशज से, उसी के कबीले से निकला हुआ था ये शासक तुर्की था। अफगानिस्तान में गजनी वंश का जब पतन होने के बाद क्या होता है, गोरी कबीले में ये जो गोरी होते हैं कबीले, ये पतनों के बाद गोरी कबीले में शामिल प्राप्त करना शक्ति प्राप्त करना चालू कर देते हैं। अगस्त में अफगानिस्तान में जब गजनी वंश का पतन हो जाता है तो गोरी कबीले जो होते हैं उन्होंने शक्ति प्राप्त करना, शक्ति अर्जित करना इकट्ठा कर देते हैं और गजनी के अधीन एक छोटा राज्य होता है। क्या होता है फ्रेंड, जो गोर होता है, गोर वो गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य होता है, एक कबीला होता है। मोहम्मद गोरी इसी कबीले का था, जो मोहम्मद गोरी था ये विशेष चर्चा का जो लेक्चर है अपना, ये इसी कबीले का था। घुड़सवारी, राजनीति, सूझबूझ और से ये कबीले का शासक बन जाता है। कौन बनता है, गोरी, गोर में गोरी जो होता है मोहम्मद गोरी है, उस कबीले का शासक बन जाता है। शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1173 में गोर का शासक बना। किसका बना, गोर का शासक, जो गजनी के अधीन एक राज्य था, एक कबीला था, उसमें अपने सूझबूझ और घुड़सवारी और अनेक ऐसे राजनीतिक कारणों से यह वहां का कबीले का शासक बनता है और फिर गोर का शासक बनता है। 1173 में गोर का शासक बन जाता है। इसने भारत पर साम्राज्य करने के लिए, भारत पर साम्राज्य विस्तार और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, इसने किस पे किया, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। और जब ये मुल्तान पर आक्रमण करता है तो वहां विजय भी प्राप्त करता है, पहले ही आक्रमण में ये मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेता है 1175 में। आगे बढ़ता है, जब मुल्तान पे विजय करने के बाद आगे बढ़ता है तो 1178 में इसका युद्ध जो होता है, 1178 में इसका युद्ध भीम द्वितीय से होता है। किस होता है, भीम द्वितीय जो उस समय गुजरात का शासक होता है, कहाँ का शासक होता है, भीम द्वितीय जो उस समय गुजरात का शासक होता है उससे ये युद्ध लड़ता है 1178 में। भीम द्वितीय जो इसका संरक्षण इनकी माँ कर रही होती है उस समय, लेकिन इसने गोरी को बंदी बना लिया। क्या होता है, जब भीम द्वितीय से इसका युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, तो ये मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें उसको छोड़ देता है। उस समय भीम द्वितीय का जो संरक्षण है उसकी माँ कर रही होती है, उनकी माता उनका संरक्षण कर रही होती है। फिर अहिलवाड़ पर युद्ध होता है, फिर ये पुनः अहिलवाड़ पर युद्ध होता है और गोरी परास्त हो जाता है। जब पुनः दो पराजितों से परास्त हो जाता है, गुजरात के शासक से परास्त होता है भीम द्वितीय से, और अहिलवाड़ युद्ध में भी जब गोरी परास्त हो जाता है, तब उसने वह निश्चय कर लेता है, कौन, मोहम्मद गोरी निश्चय कर लेता है कि अब वह भारत पे इस ओर से आक्रमण नहीं करेगा। मतलब जो क्षेत्र होता है इस ओर से आक्रमण नहीं करेगा। इस ओर से जब वो आक्रमण नहीं करता है तो निश्चय कर इस ओर से तब वो भारत में आक्रमण नहीं करता, तब वो लाहौर पंजाब की ओर से बढ़ता है, जो ऊपरी जो क्षेत्र होता है कश्मीर, जो लाहौर वो पंजाब की ओर से आगे बढ़ता है, लाहौर जो पंजाब की ओर से आगे बढ़ता है और उसकी जो सीमाएं होती, जब विजय होता हुआ आगे बढ़ता है तो उसकी सीमाएं बठिंडा तक पहुंच जाती हैं। बठिंडा तक जब उसकी सीमाएं पहुंच जाती हैं, जिससे उस समय दिल्ली में चौहान वंश का शासन था, किसका शासन था, दिल्ली में चौहान वंश का शासन था, और चौहान वंश का जो राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान, राय पिथाराव, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था इनको, तब दिल्ली में इनका शासन था। जब उसकी सीमाएं बठिंडा से छूती हैं तब उसका निश्चय हो जाता है कि अब उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से होना निश्चय हो गया है। जब उसकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से छूने लगती हैं तब उसका निश्चय हो जाता है कि स्वाभाविक सी बात है कि अब उसका युद्ध होना निश्चय हो गया है पृथ्वीराज चौहान से। जब वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए आमंत्रित करता, युद्ध की लड़ाई होती है तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, कौन सा होता है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, कब हुआ, 1191
91 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है गोरी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। भीषण युद्ध होता है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान विजय होता है। पृथ्वीराज चौहान जब विजय होते हैं तो गोरी जब पुनः युद्ध के लिए तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में गोरी विजय होता है। कौन विजय होता है? पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है और गोरी विजय होता है। गोरी विजय होता है। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध में जब एक बार पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं, दूसरी बार जब वो हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, इस समय क्या होता है कि गोरी ने जो था मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली। किसकी नींव डाली? दिल्ली और जो अजमेर क्षेत्र था उस पर मोहम्मद गोरी ने नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। गोरी को ही पहले मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना, मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली से वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोरी गोरी किसने मुस्लिम साम्राज्य की वास्तविक नींव डाली? कन्नौज विजय पता, जो गोरी के जो सिक्के मिलते हैं, कन्नौज जब विजय करता है तो गोरी के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं देवलक्ष्मी की आकृति होती है। किसकी होती है? देवलक्ष्मी। और दूसरी ओर कलमा खुदा होता है, जो सिक्का होता है उसके एक तरफ देवलक्ष्मी होती है और दूसरी तरफ कलमा खुदा होता है। 1194 होता है जब विजय एक के बाद एक विजय करता जाता है, दिल्ली अजमेर में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता, अपनी विजय स्थापित कर लेता है, तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गोरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में जयचंद परास्त हो जाता है, जयचंद हार जाता है। कौन हार जाता है? जब जयचंद हार जाता है और गोरी इसी के सेनापति, उसके बाद युद्ध होता है तो गोरी जब आगे बढ़ता है तो गोरी इसी का जो सेनापति होता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए दोस्तों, जब बख्तियार खिलजी के बारे में आपके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो बख्तियार खिलजी था इसने पूर्वी भारत को विजित करना प्रारंभ कर दिया, और जब पूर्वी भारत को विजित करना प्रारंभ करता है तो ये धीरे धीरे बिहार मगध उस क्षेत्र की ओर बढ़ता है, तो वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय होता है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर देता है, वहाँ बहुत इमारतों को ध्वस्त कर देता है और जितने भी सारे बुक्स होते हैं सबको ये नष्ट कर देते हैं। इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि इसका जो सेनापति होता है बख्तियार खिलजी वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। जो मैंने आपको पढ़ाया आज के लेक्चर में मोहम्मद गोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी, कि मोहम्मद गोरी ने कब कौन से युद्ध किए, कब कौन से आक्रमण किए, किस समय शासक बना और किस समय उसने विजय प्राप्त किए, जब वो गुजरात की ओर से आगे नहीं बढ़ते कोई सीधा लाहौर और पंजाब की ओर से जब आगे बढ़ता है तो भटिंडा तक पहुंच जाता है, तो उसका युद्ध होना भटिंडा की जब सीमा उसकी पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से छूने लगती है तो इस समय वहाँ का शासक दिल्ली का जो शासक चौहान वंश के अधीन होता है वहाँ पृथ्वीराज चौहान शासक होता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और पृथ्वीराज चौहान का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी विजय होता है तो वह दिल्ली और अजमेर में अपना शासन स्थापित कर देता है, आधिपत्य विजय पताका लहरा देता है। उसके बाद इसे ही मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिम लीग का संस्थापक माना गया है। जब इसका युद्ध हो जाता है तो गोरी के सिक्कों पर देवलक्ष्मी की आकृति मिलती है जिसमें एक तरफ कलमा कुदा होता है। द्वितीय युद्ध होता है इसका 1194 में, 1194 में इसका द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध जब करता है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कहते हैं, उसमें जयचंद को परास्त करता है। जब आगे बढ़ता है इसका सेनापति बख्तियार खिलजी तो नालंदा पूर्वी भारत को विजित करते हुए आगे बढ़ता ही जाता है और वहाँ का जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त कर देता है। आज का जो लेक्चर था अपना मोहम्मद गोरी के बारे में था, ठीक है, इस तरह से